सबका नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द वेबिनार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून शिवा। गुड आफ्टरनून, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चूजिंग टू जॉइन दिस वेबिनार। आई एम सैल्यूटिंग यू फॉर दिस डिसीजन, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू मेड। And thank you for sparing your precious time of 2 hours for this webinar. And I promise you, I want to honor you. And this webinar is going to be a very important opportunity for you, which can be of immense value and benefit for you. Okay, so the webinar is arming for success, arming for success. So thank you very much. Bahut bahut dhanyawad. आपने ज्वाइन किए हैं आज के ये जो वेबिनार में। ये हमने 2 दिन के पहले तेलुगु में किए थे, यहाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना की लोगों के लिए। इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स, एंड इसलिए मेरे को ये लग रहा है आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा चलेगा, अच्छा होगा। ये वेबिनार है फॉर द फ्रंटलाइन सीड्समैन, सोचे थे हम, द ट्रू वॉरियर्स एंड द अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, mainly to help the frontline warriors of seed industry to gain confidence, unki himmat badhane ke liye, unki soch positive banane ke liye, aur abhi is situation, is sthiti, jo sthiti mein hum ja rahe hain, is sthiti mein se aage badhne ke liye to vishwas jo bhi hai, jo dhairya aur jo confidence ki zarurat hai, wo is program se aapko aapko dena chahte hain aur aapse charcha karna chahte hain aur सीनियर एक्सपर्ट से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, इसलिए इस प्रोग्राम को हमने रखे थे। तो इस प्रोग्राम में दोस्तों हमारे सौभाग्य है आज के दिन 3 एक्सपर्ट्स अदेर विदास, मैं सब परिचय देना चाहता हूं। मैं कमल सोमानी साहब का, अभी कमल सोमानी साहब इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोमानी कनेक्ट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। साहब इंडस्ट्री के एक स्टालवर्ट है, एक भीष्म पितामह जैसे है, More than 43 years of experience है सीड इंडस्ट्री में। बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम किए थे, माइको ग्रुप में बहुत लंबी दौरान साहब का एक्सपीरियंस रहा, और कृषि धन वेजिटेबल सीड्स में डायरेक्टर थे, और साहब बाद में और खुद का कंपनी डाले हैं। अभी सोमानी कनेक्ट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चला रहे हैं, उस कंपनी को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, और साहब ने उनकी जो लंबी सर्विस में ये जो भी कंपनी में उन्होंने काम किया, वो कंपनी उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बहुत अच्छी तरह बढ़ाया, और साथ साथ बहुत किसानों की मदद देते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे ही पूरी देश का उन्नति में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिए थे। और साथ 6 साल 2004 से 2010 तक अफसा एशिया पैसिफिक सीड एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर रहे थे, और साथ दिल्ली गवर्नमेंट का सीड प्रोजेक्ट का 3 साल साहब मेंबर बने रहे थे, और अभी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कानपुर का एडवाइजरी बोर्ड में साहब मेंबर थे। साहब इज अ विजनरी लीडर, ये सीड बिजनेस का आने वाले दिनों में क्या इनके ट्रेंड्स क्या हो सकता है, कहाँ जाने वाला है, कौन सी अलग अलग फसलों में, ये जो उनकी जो विजन है, बहुत विजनरी लीडर है। इसलिए साहब को हमारे इंडस्ट्री में साहब को लोग मानते हैं, ही इज ए ट्रेंड सेटर सीड सेक्टर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमारा सौभाग्य है आज हमारे इस प्रोग्राम में आप भाग लेने के लिए आपने मान लिया और एक्सेप्ट किया हमारा रिक्वेस्ट, आप आए थे, थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ दूसरा एक्सपर्ट जो है हमारे साथ, वो है श्री शरद देशपांडे जी। देशपांडे साहब अभी हुबली में रहते हैं। साहब इज अ सीड टेक्नोलॉजिस्ट, 35 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, और साहब ने भी सिंजेंटा में काम किया, बाद में कावेरी में काम किए थे, जब जहां पे भी ये वॉल्यूम्स ग्रोथ इंडस्ट्री सीड इंडस्ट्री डेवलपमेंट में उन्होंने किए थे। इनकी जो हाइब्रिड जो कॉन्सेप्ट है, शुरुआत में जब सिंजेंटा में जो कैलीफ्लावर, कौन सा हाइब्रिड है साहब, कैबेज और कैलीफ्लावर का साहब बोलते हैं, और वो हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लाए थे उन दिनों में साहब ने, और पॉपुलराइज किए थे बाद में। अभी फील्ड क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, अक्रॉस द सेगमेंट्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज में उनका अनुभव है।
कावेरी सीड्स में जनरल मैनेजर सीड्स की तरफ जनरल मैनेजर से जैसे काम किए थे, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने महिंद्रा और महिंद्रा का सीड्स डिवीजन का बिजनेस लीड बने के काम किए थे। अभी साहब ने सीड सेक्टर की सीड अलग अलग कंपनीज की जो उनके जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रेटजी एक्विजिशन मिजर्स में साहब ने मदद कर रहे हैं, और खुद का भी एक बिजनेस कंपनी है, खुद का भी बिजनेस सीड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कंपनीज का लीडिंग सीड ब्रांड्स को साहब अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं साथ साथ। और है तीसरा हमारा साहब शंकर माने जी, साहब भी बी एस एग्रीकल्चर एम एस एग्रीकल्चर किए थे, और बाद में हार्वर्ड मैनेजमेंट और उनका आईसीआर का फेलोशिप भी रहे थे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है लैंडमार्क करिकुलम में, वो भी एक ट्रेनर है, 31 साल का एक्सपीरियंस अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में उनका एक्सपीरियंस है, और 8 साल बायोसीड में उन्होंने प्रोडक्ट एवेल्युएशन की लीड बन के रहे थे, और वहां से बाहर आने के बाद अभी जेमिनी सीड्स में हैदराबाद में वो वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस के रूप में काम कर रहे हैं, और साहब इज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ मराठा बिजनेस फोरम तेलंगाना से। ये है हमारा तीन एक्सपर्ट, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उनको, वो हमारे साथ हैं, वो आपसे उनकी जो अनुभव उसके दौरान इस स्थिति में कोविड की स्थिति में हमको आगे कैसे जाने का ये मार्गदर्शन साहब लोगों से भी हमको मिलेगा, और मेरे बारे में भी दो तीन शब्द। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरा जन्म एक छोटा सा गांव में हुआ था, मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ाई किया, 1981 में मेरा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ, बाद में एमएससी पीएचडी मैंने आईएआरआई उस इंस्टीट्यूट में किया था, बाद में आईसीआर में एक साल साइंटिस्ट के रूप में काम करके 13 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया था, आईटीसी में 6.5 साल, मोनसेंटो में 3 साल, साइनामाइड एग्रो बीएएसएफ में काम करके 2002 में बाहर आके खुद का ट्रेनिंग बिजनेस शुरू किया, 18 साल मैं ट्रेनिंग में हूँ, आप अलग अलग सीड कंपनीज का अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में करके आ रहा हूँ। आज का एजेंडा क्या है, तीन चीजें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, एक तो सीड द अल्टीमेट मिरेकल, बीज एक चमत्कार है क्यों कैसे, दूसरा चीज एक लाइफ नर्चरर मतलब किसान एक संपोषक है, एक पालन पोषण धरती को पालन पोषण करने वाला है कैसे, और सीड्समैन जो बीज से डील करते हैं वो तो एक बैरियर है, ट्रू बैरियर, सीड्समैन एक योद्धा है, तो ये क्यों, ये चीजें हम चर्चा करेंगे, थोड़ा तीन चार पॉजिटिव थॉट्स जानना चाहता हूँ, बाद में हम एक्सपर्ट्स का गाइडेंस देखेंगे। सो पहली चीज जो हम देख रहे हैं, सीड द अल्टीमेट मिरेकल, बीज एक चमत्कार है, अल्टीमेट मिरेकल, लुक एट दिस, देयर वो सभी आपके आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सभी बीज है, बट उनकी रंग देखो, उनकी शेप देखो, उनकी साइज देखो, इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी है, रियली मिरेकल। मिरेकल क्यों, मैं तीन चार चीजें बोलना चाहता हूँ, एक चीज है, पहली चीज जो बीज है ये है इस धरती के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए भगवान का एक गिफ्ट है, पहली क्या है, कहाँ से आया देखेंगे तो दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जैसे इफ यू टेक द पैडी सीड, ये पैडी सीड की शुरुआत कहां से, इंडिया में पूछ लीजिए, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, कोरिया, जापान, अलग अलग जो देश हैं जहां पे राइस डाला जाता है, आप पूछेंगे तो अलग अलग बातें सुनने को मिलता है, अलग अलग कहानियां हैं, बीज कहां से आया, तो मैं मेरे को बहुत अच्छा लगा एक स्टोरी, फिलीपींस से है, फिलीपींस में पैडी डाला जाता है पूरी साल भर, और वो लोग ब्रेकफास्ट भी चावल खाते हैं, लंच में भी चावल खाते हैं, डिनर में भी चावल खाते हैं, राइस बहुत तीन सीजन होता है वहां पे, तो उस देश में राइस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ है, राइस इज लाइफ फिलीपींस में, वो लोग हेलो बोलते हैं एक कहानी, बोलते हैं उनकी जो चावल की शुरुआत कैसे हुआ, वो कई साल, वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग टाइम ago, शुरुआत में हजारों सालों के पहले, शुरुआत पैडी की शुरुआत कैसे हुआ बोलेंगे तो वो बोलते हैं, एक छोटी सी गांव में एक लड़की एक दिन उनके गांव की बगल में जो नहर है, जो केनाल है, झरना, वो जो भी केनाल है, वो केनाल के पास जाके उधर बगल में बैठ के उनके पांव पानी में रखे, ऐसे ऐसे विचार से बैठी है, क्योंकि उनके
पे उनमें बहुत चिंता है क्योंकि उनके पिताजी बहुत गरीब गरीब किसान थे और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी गांव में एक अमीर आदमी से पैसा लिया और वो पैसा वापस नहीं कर पाया, तो इन्होंने उनकी मम्मी कहाँ गई, इन्होंने उनके उनकी जो वो कहाँ गई अम्मा हैं भैया, म्यूट कीजिए प्लीज। यस या सो उनकी घर में गुलाम जैसा बन के काम कर रहे हैं, तो ये लड़की को बहुत चिंता है, मेरे पिताजी देखो वहां एक स्लेवरी कर रहे हैं, गुलाम बन के कर रहे हैं, पता नहीं ये स्लेवरी हमको कब खत्म होगा, इतना दुख है बोल के वो सोच रही है। तब ऊपर से पानी में एक सोने की रंग का गोल्डन पैनिकल आके उनके पैर को लगा तो उन्होंने उठा के देखा तो वो पैनिकल में कुछ दाने हैं, कुछ ग्रेन्स हैं, वो उसको घर ले जाके घर के बगल में जो जगह है वहां पे वो बीज डाली थी और उनमें से पौधे निकला, वो पौधे से पैनिकल आया और वो बीज फिर दोबारा डाले हैं और उससे जो बीज आया फिर दोबारा डाले हैं। ऐसा करते हुए कुछ ही सालों में उनके इतना धान मिला, इतना धान उनके घर में आया, उनके घर में उसको रख नहीं पाए थे उतना धान आया, तो वो बेचने से जो अमर तपाड़िया जी आपने कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, प्लीज मत भेजिए, ये बीच में रुक रहे हैं उसके वजह से, ठीक है। तो उन्होंने जो धान मिला उससे पैसा ले जाके वो गांव का जो लैंडलॉर्ड है उनको दिया, तो उनको जो डेट क्लियर हो गया और वो पूरा आजाद बन गए हैं। तो लोग सोचते हैं कि ये जो पहली की शुरुआत उस दिन भगवान ने उनको उस दिन भेजा, बल्कि इसी तरह वो जो गोल्डन पैनिकल जो मिला, पहली पैनिकल, वो भगवान ने उनको इस धरती पर भेजा बोल के वो लोग सोचते हैं। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ऐसे ही। तो आप बताइए, आप सोचते हैं कि ये एक गिफ्ट है, क्या आप भी सोचते हैं समझते हैं कि ये बीज बोले के जो टमाटर का हो, जो मक्का का हो, जो भी ये बीज है, जो बीज, क्या आप भी सोचते हैं समझते हैं ये भगवान का है? इफ यस बोलेंगे तो आप चार्ट बॉक्स में कैपिटल यस यस डालिए, यस अक्षर डालिए। यस बोली, यस थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग मान रहे हैं यस दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, डेफिनेटली सर सीड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। सो दूसरी चीज सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बीज आपको दिख रहा है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, वो बीज कौन सी, देखिए पौधा को देख लीजिए, पौधा कैसे दिखता है, और ये है डेट पाम का, ये इसका वायबिलिटी खजूर का है, वेरी गुड, अच्छी बात है। ये वायबिलिटी मतलब इसकी जीवष्णुता, मतलब कितने साल जी सकता है, कितने साल इसके अंदर प्राण को वायबल रख सकता है, देखेंगे तो पता है, एक साल नहीं, दो साल नहीं, दस साल नहीं, सौ साल नहीं, रिसेंटली पता चला 2000 साल का इसराइल में एक जगह में जब जमीन को एक्सप्लोरेशन कर रहे जो आर्कियोलॉजिस्ट, वहां से ये बीज निकला, मतलब पुराने जमाने में लोग फेंका और वो धरती में वो जो बीज है उनको देख के कार्बन डेटिंग मैकेनिज्म से उसकी उम्र कितना है देखा, तो उसका उम्र पता चला 2000 साल, और जमीन में डाला ऐसा पौधा निकला, वो पौधा को सेफली वो लोग रख रहे हैं अभी तक, फिर दोबारा जो वगैरह जो फल नहीं आया पर आने वाला है, उसको देख लीजिए 2000 साल बीज उसके अंदर जो प्राण को देख सकता है, चमत्कार है, वेरी गुड। अच्छा ये देख लीजिए, यहाँ बी ये जो चीज है आपके आपको देख रहे स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, फल है, बीज है और कुछ दूसरा है, ये है दोस्तों एक बीज है। ये बीज का साइज कितना है देखो, जो चौड़ाई देखेंगे तो 2.5 इंच का है, 5 सेंटीमीटर 130 मिलीमीटर से लेकर 180, मतलब देख लीजिए कितने मिलीमीटर
सेंटीमीटर्स 5 सेंटीमीटर 1 1 2 3 या 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस 2 इंचेस होता है। और ये है एक पौधा, एक पेड़ से आता है, पेड़ है ये, पेड़ है, सी बीन बोलते हैं। ये सी बीन का फल है जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं आप, एक फल है। ये फल का लंबाई कभी कभी 4 फीट हो सकता है, 4 फीट। और पता है इसके जो जीव विशेषता कैसे रहता, मैं एक छोटी सी वीडियो के रूप में दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। यस, वो जो जो बीज है सी बीन, एक कॉन्टिनेंट पे, वन कॉन्टिनेंट पे मतलब गिरता है, 100 माइल दूर नदी से जाता है, समुद्र में मिलता है, और समुद्र में हजारों मील चल के 1 साल 2 साल के बाद दूसरी खंड में, दूसरी कॉन्टिनेंट पे, वहां से वहां और जिंदा रह के वहां पे आ सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बीज एक चमत्कार है। और तीसरी चीज है, यहाँ देख लीजिए, सीड परसिस्टेंस, सातत्वता, जो परसिस्ट है, वो जो जमीन के अंदर है, जो बाहर आना चाहते हैं, तो कभी देखेंगे तो यहाँ देखो ड्रेनेज की ये जो प्लेट से अंदर से वो बाहर आ रहे हैं, कभी पत्रों की बीच में से जो भी थोड़ा सा क्रैक होता है वो क्रैक से भी बाहर आता है हम जब देखते हैं। और कभी कभी दीवारों की छोटी छोटी जो क्रैक्स होता है उसी से भी आप देखेंगे तो बीज पौधा बन के बाहर निकलता है। कई जगह पे देखें तो वो तो जमीन से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के लिए उनकी जो परसिस्टेंस, उनकी जो चाहत है, वो जब ऊपर आने के तब वो जो ऊपर का जो जमीन की जो कवच होता है, जमीन की जो सरफेस जब बहुत हार्ड है, उसको बार 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 उसको उसके ऊपर मार तोड़ के बाहर निकलता है, क्योंकि वो बाहर आना चाहता है और वो जो लाइट को देखना चाहता है, ग्रोथ लेना चाहता है और दुनिया को सेवा करना चाहता है। इसलिए वो उनकी जो परसिस्टेंस है, वो परसिस्टेंस देखते मुझे लगता है ये बीज एक चमत्कार है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बीज के बारे में, चमत्कार के रूप में, उनकी जो डिस्पर्सल है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलता है, या उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखेंगे तो एक छोटी सी 2 मिनट का वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो भी देख लीजिए और उसकी जो चमत्कार जो स्थिति है क्या है देखिए। देखे थे उनकी जो डिस्पर्सल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बीज कैसे, उनकी जो स्थिति है, मेरे को लगता है एक चमत्कार है, चमत्कार है ये कैसे आगे उनकी जो वो जो देख लीजिए, वो जो सी बीन्स का देखेंगे तो कहाँ यूरोप, कहाँ वेस्ट इंडीज, 1 साल रह के समुन्दर पार करके उस तरफ जाके वहां भी वो जिंदा रह सकता है। वो खजूर को देखेंगे तो 2000 साल रह सकता है। और ये जो अलग अलग बीजों को देखेंगे, जो फसलों से हम डील करते हैं वो भी देख लीजिए, उनका एक उनकी एक ताकत है, वो ताकत को मल्टीप्लायर ताकत बोलते हैं। देख लीजिए एक छोटी सी ज्वार का बीज है, एक छोटी सी बीज, एक बीज से एक ज्वार का पौधा आता है, वो ज्वार से एक पैनिकल होता है ना, एक पैनिकल में ज्वार की हेड, हेड ऑफ सोर्गम में 750 से 1,250 दाने होते हैं। ऑन एन एवरेज 1,000 लीजिए, 1 हेक्टेयर में 2 लाख पौधे होते हैं, 2 लाख में एक एक के ऊपर 1,000 दाने बोलेंगे तो 1 हेक्टेयर में कितने बीज होगा, 20 करोड़ होता है। मतलब ये एक जो बीज आया वो 1,000 बनता है, कम से कम 1,000 बनता है। और दूसरा मैं और एक फसल का बोलना चाहता हूं, वो है कॉटन। देख लीजिए एक सीड से एक पौधा, एक पौधा में 100 बोल, एक एक बोल में 4 बीज, मतलब एक बीज से 4,000 बीज निकला। और 1 हेक्टेयर में 30,000 पौधे है, देखेंगे तो 120 मिलियन सीड, मतलब 12 करोड़ है। और एक लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं मक्का, मक्का एक कर्नल मतलब एक दाने से एक पौधा, एक पौधा में एक जो मक्का का जो कॉब, वो कॉब में 600 कर्नल्स, एक हेक्टेयर में आप 55,000 प्लांट्स, स्पेसिंग के अनुसार देखेंगे 55,000 प्लांट्स हैं, तो एक हेक्टेयर में आपको मिलेगा 3.3 करोड़ मिलियन, मतलब 33 मिलियन से 3.3 करोड़। ऐसे 200 हेक्टेयर्स में देखेंगे तो उसका पूरा दाने कितने मिलेगा, 200 हेक्टेयर्स की मक्का की जो खेती में जो दाने होते हैं, वो दानों की संख्या है
मोर देन 6 बिलियन, मतलब इस पूरी धरती पर जो पॉपुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन जितना होता उतना नंबर आप 200 हेक्टेयर मक्के की खेती में होता है, मतलब ये तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। वो एक जैसा आता है बट एक जैसा यहां से नहीं जाना चाहता है, उनके वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, उनकी कीमती को कई गुना बढ़ा के यहाँ इस धरती से निकलने के पहले उनकी कीमती को कई गुना बढ़ाती है, इसलिए वो एक चमत्कार है। और ये चमत्कार मेरे को ऐसे लगता है क्योंकि एक छोटी सी बीज में ये छुपाया जाता है, ये लिखाया जाता है आने वाले दिनों में जो पौधा उससे निकलने वाला है वो पौधा का साइज कितना, वो पौधा का पत्तों का आकार क्या है, वो फूलों का रंग क्या है, वो फल का खुशबू क्या है, वो फल की स्वाद क्या रहेगा, ये सभी चीजों ये छोटी सी बीज के अंदर लिखा जाता है। उसी को हम बोलते हैं जीनोम, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये जेनेटिक कोड छोटी सी बीज में कितने साल जिएगा, कितना बड़ा होगा, और ये सभी सभी उसके अंदर लिखा होगा। साइंटिस्ट ने देखा ये जब ये जीनोम को निकाल के ये जेनेटिक कोड को लिखना चाहेंगे, लिखना जेनेटिक कोड लिखने की एक लैंग्वेज है ATGC, 9 थायमिन 9 ग्वानिन, ये अमीनो एसिड्स का जो जेनेटिक कोड DNA डबल हेलिक्स का वो कोड लिखेंगे, तो एक बीच में जो जेनेटिक कोड को इंग्लिश अक्षरों में लिखना चाहेंगे तो 450 पेज का किताब की जरूरत पड़ेगा, 450 पेज की जरूरत पड़ेगा। देख लीजिए छोटे से बीच में क्या लिखा जाता है, ए मिरेकल उसके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए बीज एक चमत्कार है। दोस्तों आप सबको भी लग रहा है बीज एक चमत्कार है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस बोल के लिखिए, वेरी गुड। दूसरी चीज लाइफ, किसान एक संपोषक है, किसान एक लाइफ नर्चरर है। इस धरती पर इतने सारे लोग हैं, जीना है तो खाना है, खाना है तो खाने की जरूरत है, वो खाना किसने देता है पूरी धरती के लिए बोलेंगे तो किसान। जो भी देश है वो देश में जो खाना बनता है, खाना देने वाला है एक है, वो है किसान, वो है किसान, वो है किसान। इसलिए मैं किसान को बोलना चाहता हूं किसान इज अ लाइफ नर्चरर, एक लाइफ नर्चरर, एक संपोषक है, एक संपोषक है। क्यों कैसे देख लेंगे, एक दो चीजों मैं बोलना चाहता हूं किसान के बारे में। किसान नहीं है कोई खेती बाड़ी नहीं जा रहा है, कोई कल्टीवेशन है, कोई खाना वहां से नहीं आ रहे, दाने नहीं आ रहे, दाल नहीं आ रहे, तो हमारे प्लेट क्या, प्लेट में क्या रहेगा, प्लेट खाली रहेगा, और प्लेट वुड बी एम्प्टी विदाउट फार्मर्स। समझ लीजिए किसान, हम सब लोग तो आजकल घर पे बैठ सका बट किसान घर पे ऐसे ही बैठेंगे आने वाले 3-4 महीने, क्या होगा हमारे देश के लिए, पूरे पॉपुलेशन, पूरी पूरी दुनिया के लिए क्या होगा, ये नहीं कर सकते हैं। किसानों को तो घर में नहीं बैठ पाएंगे, किसानों को तो जाना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वो है इस पूरी धरती को खाना देने वाला, पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, इसलिए वो एक संपोषक है। और फार्मर्स ये देख लीजिए, एक छोटे से गांव में किसान को देखेंगे तो खेती बाड़ी करना है, पैड़ी करना है, तो कितना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद जब वो फसल जब हाथ में आने के समय पे थोड़ा बड़ा बारिश आया तो निकल जाएगा। ऐसे ही हुआ एक बार हमारे गांव में, तो मैंने मेरे मामा जी से बोला, मामा जी देख लीजिए हाथ तक पहुंचा, आखिरी मिनट में हाथों से निकल गया, बहुत दुखी बात है। जब बोला तो मेरा मामा जी ने मेरे से बोला, नो प्रॉब्लम, अगला सीजन रहेगा ना बहुत जबरदस्त रहेगा, अगला साल बहुत अच्छा रहेगा बोला। मेरे को बहुत दुख हो रहा था, किसान उस स्थिति में इतना मेहनत करने के बाद आखिरी समय में फसल हाथ से निकल गया, तो भी उनमें आशा है आने वाला सीजन अच्छा होगा, आने वाला साल अच्छा होगा बोल के। ये आशा केवल मेरे मामा जी वो एक किसान को नहीं, ये हजारों लाखों किसान ऐसे होप से, ऐसा आशा से उनकी काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और दुनिया को खाना देते हैं। और तीसरी चीज, मैं भी ITC में 6.5 साल, मोनसेंटो में 3 साल, साइनामाइट में, BASF में काम किया, ट्रायल्स वगैरह, मार्केटिंग डेवलपमेंट वगैरह काम के लिए हम गांव में जाते थे, किसानों से मिलते थे, जब उनके घर जाएंगे हम तो बिठाते हैं और वो बोलते हैं
साहब साहब बैठिए, खाइए बोल के जो खाना उनके लिए रखे हैं वो भी लाके हमको खिला देते हैं। कभी कभी वो भूखा जाते हैं, सामने वाले को खाना देते हैं। जो भी पैदावार निकालते हैं उसमें से बेस्ट क्वालिटी लाके मार्केट में देते हैं। जो भी दूध उनके घर से उनकी गाय से आते हैं उसमें से ज्यादा मिल्क सेंटर को देते हैं। उनकी स्थिति ऐसा है, बट दुनिया को खाने देने में वो कोई ये नहीं करेंगे। और एक चीज, उनको कितने भी कठिनताएं हैं, कितने भी दिक्कतें हैं, कितने भी मुश्किल से हैं, हमेशा उनके चेहरे पर तो एक सुंदर मुस्कुराहट देखने को मिलता है। उनके दिल के अंदर बहुत चीज रखते हैं, दिमाग के अंदर बहुत चीज है, फिर भी वो ऊपर जब हमसे बात करते हैं, राम राम नमस्कार बोलेंगे तो एक सुंदर मुस्कुराहट से हमको भी वो राम राम नमस्कार बोलते हैं। यह है किसान, यह है किसान। और ये किसान की स्थिति बोलेंगे तो हमारे भारत में छोटी 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 फार्म साइज है, पूरा क्लाइमेट डिपेंडेंट है। जब बारिश चाहते हैं तब बारिश नहीं आएगा, जब बारिश की जरूरत नहीं है तब बारिश गिरेगा। फार्म प्रोड्यूस का कभी 40 रुपया किलो, कभी 4 रुपया किलो। और उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति में हमेशा किसी से पैसा लेना पड़ता है, गांव में नहीं तो शहर में कोई लोन लेना पड़ता है, और उनकी पूरी परिवार उसमें हो जाते हैं, और उनकी फार्म प्रोडक्ट्स का डिमांड ऊपर नीचे जाता है, और जो भी फसलें वो बनाते हैं वो समय पे उनको बेचना पड़ता है, नहीं तो उनको बहुत नुकसान हो जाता है। और एक चीज है, किसान एक ही है वो जो वो पैदावार करते हैं वो होलसेल में बेचना पड़ता है, वो भी वो खरीदते हैं वो रिटेल में खरीदते हैं, और वो दोनों जगह पे जब बेचना है जब खरीदना है तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा भी ये एक ही आदमी है वो ऐसा करने वाले हैं। और ये ऐसे जगह में काम करते हैं, एक तरफ इससे डीला फर्टिलाइजर डीला फार्म इक्विपमेंट सीट सप्लाई, और दूसरी तरफ ये लोग हैं बीच में, ये किसान है। और किसान बोलते हैं साहब गवर्नमेंट लोग बहुत अच्छे अच्छे हमारे बारे में बात करते हैं, आप डिपार्टमेंट वाला भी अच्छे अच्छे बात करते हैं, कंपनी वाले भी अच्छे अच्छे बात करते हैं। मुझे कोई एक चीज बताइए, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मेरे लिए क्या फायदा है जब मेरा जो फसल को मैं सही दाम पे बेच नहीं पाऊंगा, मेरा बायर जो है मैं किसको बेचूंगा उसको मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, किस जगह पे किस समय पे मैं बेचूंगा, और ये जो बीच में जो कई सारे लोग थे उसकी जो से मैं नुकसान होता है, और लास्ट में जो भी मेरा फ्रूट्स है वेजिटेबल्स अलग अलग जो पेरिशेबल जो चीज है इसको कैसे अवॉइड करूं, ये चीज जब तक नहीं होगा आप जितने भी बात बोलेंगे जितने भी मेरे बारे में सोचेंगे तो मेरे को क्या फायदा है। इसलिए ये पूरा होने के बावजूद किसान ने, किसान ही इस पूरी धरती में जो खाने वाले के लिए खाना जो खाने की जो जरूरत है वो खाना दिलाने वाला देने वाला यही एक किसान, जैसे किसान एक संपोषक है। सो आपको एक तरफ बीज है द मिरेकल द चमत्कार द अद्भुत चीज द अजूबा, और दूसरी तरफ किसान है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप ऐसे बीजों को ले जाके जब किसानों को देना है देने की जरूरत, जब तक किसान को बीज नहीं मिलता वो पैदावार नहीं कर पाएंगे। ये बीज देने वाला है वो है सीड्समैन, जो सीड बनाते हैं, सीड पैकिंग करते हैं, सीड ले जाके किसान को देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सीड्समैन। सीड्समैन द ट्रू वॉरियर है, मैं समझता हूं कि ये एक योद्धा है, योद्धा है। क्यों योद्धा है, क्यों योद्धा है देखेंगे। अभी देख लीजिए लोग बता रहे हैं डॉक्टर्स नर्सेस हेल्थ वर्कर्स दे आर वॉरियर्स, पुलिस एडमिन पीपल दे आर वॉरियर्स बोलते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में भी वो जाके कुछ कर रहे हैं। मैं सुना था जब हमारे सीड कंपनी से जब मैं बात कर रहा हूं, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वाले आने वाले गांव में जा रहे हैं जहां ट्रायल्स लगा हुआ है, वहां डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्टर को जाना है तो वहां होटल में रहना है, होटल में रहना है तो वहां होटल में रहना है तो वहां होटल खुला नहीं है, आजकल तो बंद पड़ा हुआ है। जब किसान से पूछा, किसान ने बोला मेरे खेती में एक छोटा सा कमरा है चाहे तो उसमें रह सकते हैं। मैं सुना था ये जो स्टाफ ने जाके वहां वो कमरे में खेती में छोटे कमरे में रह के 3-4 दिन पूरा डेटा कलेक्ट करके ऐसे से काम कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये लोग ट्रू वॉरियर्स हैं। जो बीज कंपनी के जो R&D स्टाफ होते हैं, जो वो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले होते हैं, और जब सीड प्रोडक्शन जो मार्च की शुरुआत में ये जो कोरोना थिंग आना शुरू हुआ, मार्च की शुरुआत से ही शुरू हो गया, मार्च की 22 तारीख से
ये जो लॉकडाउन हो गया, बट इस दौरान भी हमारे प्रोडक्शन टीम वाले प्रोडक्शन एरियाज में जाके, वो प्रोडक्शन एरियाज में जो बीज को किसानों से ऑर्गेनाइजर से ले जाके ट्रक्स में रखे, प्रोसेसिंग प्लांट्स को भिजवाया। इसी स्थिति में अभी भी बीज, पैडी की बीज आ रहा है, अभी भी कुछ बीज रास्ते में है। वो जो प्रोडक्शन स्टाफ ऐसी स्थिति में भी जाके वहां, क्योंकि जब वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, जो किसान की जो बीज की जरूरत है वो भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ हमारा सीड प्रोडक्शन स्टाफ है वो भी एक योद्धा है, एक ट्रू वॉरियर है। जब बीज वहां पहुंचा, प्रोसेसिंग प्लांट्स में प्रोसेसिंग करना है तो लॉकडाउन पड़ा हुआ है, पुलिस वालों ने रोक रहे हैं, गाड़ियों को रोक के सीज कर रहे हैं। तब कमिश्नर लोगों से, ऊपर वाले से बात करके, भैया बीज ऐसा चीज है तो बोल दो, वो पास दिया। वो पास लेके वहां जाके वहां सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करते हुए प्रोसेसिंग प्लांट्स में, ये कोविड के दौरान इसी इसी समय में, मार्च में, अप्रैल में हमारा सीड प्रोसेसिंग को समय पे करके और उसको पैकिंग करके वहां काम किया। जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स में जो स्टाफ है उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, वो भी एक योद्धा है। अभी हमारा सेल्स स्टाफ है, सेल्स स्टाफ का भी अभी गाँव में जाना पड़ेगा, अभी डीलर ट्रेड चैनल से के साथ काम करना पड़ेगा। इनको भी मैं घर में ही बैठूंगा, करूंगा तो नहीं है, ये जब जाएंगे काम करेंगे तभी किसान को बीज मिलेगा। जब किसान को बीज मिलेगा तभी हमारे पूरी भारत में खेती होगा, तब भी आने वाले दिनों में हमको खाने के लिए कुछ मिलेगा। इसलिए हमारे सेल्स स्टाफ को, जो आके बीज किसानों तक पहुंचाने वाले को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं उनको भी एक योद्धा के रूप में बोलना चाहता हूँ। सीड्समैन है, सीड्समैन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सीड्समैन है, ये सभी लोग मदद कर रहे हैं। इसकी वजह से हम सीड दे पा रहे हैं किसानों को, देर उन्हें मिशन मोड। हमारे सेल्समैन, हमारे जो किसान जो सीड्समैन है वो एक यज्ञ, महायज्ञ में शामिल हैं। वो जो काम करते हैं वो एक यज्ञ जैसा करते हैं, क्योंकि यज्ञ यज्ञ ऐसा काम है जिसकी वजह से कल्याण, लोक कल्याण होता है। सो जो काम हमारे सीड्समैन कर रहे हैं वो भी कल्याण के, लोक कल्याण के लिए दे आर इन मिशन मोड काम करते हैं। बारिश हो, धूप हो, हमारे सीड्समैन हमेशा, बारिश है तो भी खेती में जाएंगे, गांव में जाएंगे, धूप में भी जाएंगे, 40, 42, 43, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे लोग जाते हैं। हम एसी कमरे में बैठ के तो काम नहीं करते हैं, गांव में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, खेतों में जाते हैं, किसानों को दिखाते हैं, किसानों को समझाते हैं हमारी प्रोडक्ट से किसान को सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे मिलेगा दिखाते हैं। तो इसलिए मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हमारे सीड्समैन योद्धा को। सीड्समैन कई सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। एक जिम्मेदारी ऐसा है किसानों के लिए, जो हमारे बात सुन के बीज डालते हैं किसान, वो किसान को हमारे बीज डाल के छोड़ेंगे नहीं। बीज देने के बाद वो बीज कैसे डालना, वो बीज से ज्यादा मुनाफा, पैदावार कैसे आना, मुनाफा कैसे आना, उनको मार्गदर्शन देंगे। और किसानों के लिए हमारे सेल्समैन एक डॉक्टर साहब बनेंगे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ एक योद्धा है। साथ में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लोग वो लाखों करोड़ों रुपए डालते हैं, हमारा बिजनेस पार्टनर्स बन के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और उन लोगों के साथ भी काम करते हैं और उनकी भी सक्सेस के लिए मदद करते हैं। तो इसको यस। और दूसरा एक कंपनी की तरफ से भी उनकी जिम्मेदारी है, टीम की तरफ से भी जिम्मेदारी है, लास्ट में उनका परिवार भी है, बीबी बच्चों भी है। इतना जिम्मेदारी निभाने वाला एक ही है, वो है सेल्समैन। कंपनी की तरफ देखेंगे एक सेल्समैन का अलग अलग जिम्मेदारी है। सेल्समैन के लिए सेल्स टारगेट्स अचीव करना है, अचीव तो करना है, और ये टारगेट तो हर साल बढ़ के जाता है, बढ़ के रहता है, 20%, 30%, कभी कभी ज्यादा भी टारगेट्स अचीव करना है। केवल बीज देना ही नहीं, पेमेंट को भी कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। कलेक्टिंग पेमेंट्स आसान की काम नहीं है, पर करना चाहिए, करते हैं हमारे लोग। और ये भी जो स्टॉक देते हैं वो सबसे मिनिमम स्टॉक रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक ज्यादा हो जाएगा बहुत नुकसान हो जाएगा। साथ साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बढ़ाना, इसके बीच में कंप्लेंट्स, आपका बीज जर्मिनेशन ठीक नहीं है, जो फसल ठीक नहीं है, पैदावार ठीक नहीं है, बल्कि अलग अलग कंप्लेंट्स आता है, वो कंप्लेंट्स को भी, ऑब्जेक्शन कंप्लेंट्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। साथ साथ उनकी साहब लोग उनको सुबह, दोपहर, शाम को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये सभी करते हुए कंपनी का इमेज, कंपनी का गुडविल, कंपनी का क्रेडिबिलिटी मार्केट में हर रोज बढ़ाते हैं सीड्समैन। इसलिए मैं उनको बोलना चाहता हूँ ये एक योद्धा है। हमारा हरित क्रांति हमको, हमारे देश को मिला 1960s में, 66, 67, उस समय में पहली हरित क्रांति, द ग्रीन रेवोल्यूशन मिला। उस समय क्या था हमारा देश का प्रोडक्शन,
धान देखो, गेहूं देखो, अलग अलग फसलों में प्रोडक्शन क्या था, पर आज के दिन पे, आज के दिन पे हमारे देश में हमारा प्रोडक्शन क्या है, वो प्रोडक्शन लेवल उस पहली ग्रीन रिवॉल्यूशन से अभी तक देखेंगे तो इसकी बढ़ोतरी के लिए किसने मदद की या किसने योगदान किया देखूंगा। तो जो अभी 90% सीड जो भी खेतों में डाला जाता है वो सीड्स में देते हैं, सीड इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनी से जाता है। तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सीड इंडस्ट्री को, सीड्स मन को, क्योंकि हमारे देश का सेल्फ सफिशिएंसी आया, हम एक्सपोर्टर बने, इंपोर्टर की वजह से एक्सपोर्टर बने बोलेंगे तो ये सीड्स मन के लिए है। ये सीड्स मन इज अ रियल बैरियर, वो इतना मत काम कर रहे हैं, हम करने के लिए आगे भी बहुत काम है, हम पहुंचने के लिए लाखों किसान और भी हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो फार्मर्स के लिए, वो किसानों के लिए जरूरत है, वो जरूरत उनको पूरा पूरा करने के लिए उनकी जो सेवा करने वाला बोलेंगे तो ये की है वो सीड्समैन। इसलिए मैं सीड्समैन को सैल्यूट करना चाहता हूं, द सीड्समैन इज अ ट्रू वॉरियर, द सीड्समैन एक योद्धा है। सो दोस्तों, आप सब लोग होते हैं, यू आर ए वॉरियर, और मैं आपको दो तीन चीजें बोल के जल्दी से जल्दी मैं प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना चाहता हूं 5 मिनट में, बाद में हमको हमारी गुरु लोग हैं मार्गदर्शन देने के लिए, केवल 5 मिनट में तीन चार सोच विचार मैं आपको बोलना देना चाहता हूं, क्योंकि इस बहुत बहुत कठिन समय है, ये तो कोरोना के समय है, COVID-19 है, लॉकडाउन है, और बोले हैं 3 मई को खत्म होने वाला नहीं है और 2 हफ्ते आगे बढ़ेगा, और इसी समय में भी हमको निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हमारा काम तो करना पड़ेगा, ये देश के लिए, दुनिया के लिए, देश की सेवा में जाना पड़ेगा, देश की सेवा के लिए। हम लोग जब नहीं जाके बीज किसानों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो समझ लीजिए आने वाले समय में हमारे देश का खाने के लिए भी खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसके भाव क्या रहेगा, उसके दाम क्या बनेगा, एक बार सोच लीजिए। तो इसलिए जो काम हमारे जो सेल्समैन करने जा रहे हैं वो है एक सेवा है, देश सेवा है, एक सैक्रिफाइस है, एक थोड़ा रिस्क भी है इसमें, इसलिए एक योद्धा है। तो उनके लिए मैंने 3-4 सोच विचार डालना चाहता हूं। एक चीज दोस्तों, जो भी कष्ट है, जो भी कठिनताएं हैं किसी के जिंदगी में भी आएंगे, लगता है कठिन था बट असली में उसी के अंदर छुपा हुआ होता है बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा मौका। हम ये कोरोना और कोविड भी बहुत सीखा, पिछले 1-1.5 महीने में हमको बहुत सीखने को मिला, और आने वाले दिनों में ये कठिनता है, कठिनता में कैसे हैंडल कर रहे हैं हम, ये हमको सीखने को मिला। एक देख लीजिए, इससे देख लीजिए कठिनता क्या होता है, वो कठिनता को कैसे हैंडल करती है। एक प्यूपा है, एक लार्वा प्यूपा, एडल्ट सीता एडल्ट बटरफ्लाई है, सुंदर बटरफ्लाई से निकलना चाहेंगे तो इसके ऊपर जो भी कवच है वो कवच को तोड़ के बाहर आना चाहिए। एक किसान इसे देखते रहा, सुबह देखा, दोपहर देखा, शाम को देखा तो वो हिल रहा है इधर उधर बट बाहर नहीं आ पा रहा है, इतना स्ट्रगल कर रहा है फिर भी बाहर नहीं आ पा रहा है, वो थोड़ा दयाशील बन के, अयो इतना कष्ट कर रही है, इतना स्ट्रगल में जा रहे हैं तो मैं थोड़ा मदद करूंगा, ये स्ट्रगल क्यों है बोल के इनके अंदर जो भी वो शेल है वो शेल को आसान करके उनको इंची से काटते हैं, काटा तो वो बाहर निकलता है, बाहर निकला और ये सोचा ये उड़ेगा आसमान में उड़ के, बहुत सुंदर तितली निकलेगा सोचा तो वो निकला नहीं, नीचे गिरा, ऐसे ही नीचे जमीन पर पड़े हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों उनकी स्थिति ऐसा हुआ, वो तो उड़ना चाहिए, उड़ा नहीं था क्योंकि जो स्ट्रगल से वो जो स्ट्रगल है भगवान ने उसको एक गिफ्ट की तरह दिया, जब वो स्ट्रगल में उनकी जो पंखे की मजल है वो फ्री हो जाएगा, पांवों का मजल फ्री हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो निकल के जाएगा, तब वो उड़ पाती है। जब वो स्ट्रगल है, वो जो स्ट्रगल भगवान ने उनको दिया वो ताकत देने के लिए, अभी जो छोटी सी स्ट्रगल वो कर रहे हैं वो स्ट्रगल ऐसे आने वाले दिनों में हवा में आजाद बन के स्वेच्छा से बहुत उड़ के इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए जो ताकत दिया वो ताकत के लिए आज के दिन वो स्ट्रगल दिया। लगता है मुझे ये आज की कोविड का स्ट्रगल भी हम सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखे, आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा स्ट्रगल, इससे भी ज्यादा कठिनता आया उसको कैसे हैंडल करने का अभी ट्रेनिंग हो रहा है हमको, ऐसे स्थिति हमको मिलेगा। क्योंकि देख लीजिए हाँ, कोयला का छोटा पीस और ये तो देखेंगे तो डायमंड है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों तो एक ही है, अंतर एक ही है, वो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे स्ट्रगल पे जाके अंदर जो भी
बच सकता है वो बनेगा एक डायमंड है। आप सब लोग डायमंड हैं, ये जो कोविड है आप सब लोग डायमंड बनेगा, डायमंड बनाएगा। और इधर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर है, ये बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर में एक आलू डालेंगे तो आलू तो सॉलिड है, जब पानी के अंदर डाला बॉइलिंग वाटर में वो सॉफ्ट बन जाएगा। दूसरा अंडा लीजिए, वो अंडा डाल दीजिए, कुछ समय के बाद वो सॉलिडिफाई होके सॉलिड बन के बाहर आएगा। दोनों स्थिति तो एक ही है, बॉइलिंग पॉट के अंदर बॉइलिंग वाटर है, और वो स्थिति में जो दो चीज गया जब बाहर निकला अलग से निकला अनुभूति से, अनुभव से। और दूसरा उसमें अंदर कुछ कॉफी की बीज डालिए, वो कॉफी की बीज वो जो पूरा पानी को भी बदलते हैं, गर्म पानी को भी से खुशबू निकालता है। तो हमको भी सोचना चाहिए इससे बाद हम और मजबूत बनना बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। जब देखेंगे एक छोटी चीज, लास्ट चीज, एक मिनट में मैं प्रेजेंटेशन क्लोज करने वाला हूं, ये एंट फिलॉसफी है। आप हमेशा जो एंट्स है उनको देखेंगे, जब वो एक रास्ते पे जा रहा है आप उसके रास्ते में उंगली ऐसे रखेंगे तो वो ऐसा हटके और आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। और देखेंगे तो कभी कभी ये उनकी वजन से 2 गुना 3 गुना कई गुना ज्यादा वजन उठा के लेके जाते हैं। और ये जो चीज है समर में बहुत काम करते हैं और पूरा खाना सेव करते हैं, क्योंकि जब विंटर निकला उतना ठंडी में ये बाहर नहीं आ पाता है, ये अंदर लॉकडाउन में चले जाते हैं, वो अंदर डार्क चेम्बर्स है, एंट की जो हिल है, एंट की जो जगह होता है ना उसी के अंदर छुपा के अंदर ही रहना पड़ेगा, पूरी विंटर सर्दी में अंदर ही रहना पड़ेगा। जब अंदर रहे हैं वो है अंधेरा है, डार्क चेम्बर्स है, जब अंदर रहा वो लोग क्या सोचेगा, उनके दिमाग में उस समय पे विंटर में जब कठिन विंटर में वो लोग जा रहे हैं एंट्स, जो उनके दिमाग में क्या सोच रहेगा मालूम, अरे ये विंटर कब जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक है, हमारे पास ऐसे ऐसे क्यों आता है, भगवान ऐसा विंटर को क्यों बनाया, ये क्यों है ऐसा, उनके विंटर के बारे में, वो ठंडी के बारे में उनकी सोच बिल्कुल नहीं रहेगा। जब वो विंटर में जा रहे हैं, ठंडी हो रहे अंदर, वो डार्क चेम्बर अंधेरे में लॉकडाउन होकर रखा, उनके दिमाग में सोच ऐसा रहेगा, वो दे थिंक ऑफ समर नॉट विंटर, व्हेन दे गो थ्रू विंटर दे थिंक ऑफ समर, वो सोचेंगे आने वाले दिनों में वो सूरज निकलेगा, धूप आएगा, हम सब लोग बाहर जाएंगे, नाचेंगे, खाना बनाएंगे, ये बोल के दे थिंक ऑफ समर व्हेन दे गोइंग थ्रू विंटर, दैट इज देयर फिलॉसफी, दैट इज देयर एटीट्यूड, दैट्स हाउ दे टेक इट फॉरवर्ड। दोस्तों और हम बीच से भी ये देखने को मिला, जहां पे भी स्थिति हो वहां से बाहर निकल सकते हो और कुछ दे सकते हो, फ्लेक्सिबल बनो, और यू आर प्रेशियस एंड यू आर वेरी वैल्यूएबल, यू कैन मल्टीप्लाई योर वैल्यू, यू आर ए मिरेकल, सीड इज ए मिरेकल, स्ट्रगल्स जो भी स्ट्रगल्स है, जो भी कठिनता है, ये है असली में आने वाले दिनों में कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद जब वापस देखेंगे, ये जो कोविड सिचुएशन है हमारे लिए बन गया एक मौका। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट विल बी लाइक दैट। एक ही चीज आपको ध्यान में रखिए, सी थ्रू द आईज ऑफ द कस्टमर, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ योर कस्टमर एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। कस्टमर कौन है? किसान आपका कस्टमर है, डीलर आपका कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर आपका कस्टमर है, आपका सुपीरियर बॉस आपका कस्टमर है, आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ आपका कस्टमर है, आपका कंपनी, जो कंपनी में आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भी आपका कस्टमर है, वो कंपनी के एमडी आपका कस्टमर है। आप उनकी जगह में रखे आपको देख लीजिए, स्थिति को देख लीजिए, ऑलवेज पुट यू सी उनकी नजर से, उनके एंगल से देख लीजिए और अच्छे रिलेशन बढ़ाइए, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन, इट इज प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू आर ए ट्रू वॉरियर, आप लोग बहुत बड़ा योद्धा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, अभी हमने देखे थे सीड्स अल्टीमेट मिरेकल, एक चमत बीज एक चमत्कार, दूसरा फार्मर्स लाइफ नर्चरर्स, मतलब पोषक है, जिंदगी का पोषण पालन पोषण करने वाला सीड्समैन एक योद्धा है, वो देखे थे, और कुछ चार पॉइंट्स भी निकला। अभी एक्सपर्ट्स का गाइडेंस है, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस अभी समय हुआ ठीक 5:04 हुआ। अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस देखेंगे और आपका कुछ प्रश्न वगैरह तो हमारे पास, हम 6 बजे तक हमारा मीटिंग है, आप सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अभी विद द काइंड परमिशन ऑफ सोमानी साहब और माने साहब,
हमारा शरद देशपांडे साहब ने कुछ स्लाइड्स बना के लाए थे, वो स्लाइड्स भी साहब ने प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा कमल सोमानी साहब हमको मार्गदर्शन देंगे और बाद में माने से उनका मार्गदर्शन में हम देखेंगे। Am I audible? Yes, you're audible, sir. You're audible. मैं आपका स्लाइड दिखाऊं? Yeah, audible, sir. You're audible, sir. Go ahead and present, sir. Yeah, दोस्तों, good evening. Good evening. Yeah, thank you, Dr. Shiva, for this best opportunity given to me. Let me begin with these presentations. दोस्तों, सीड के बारे में तो डॉक्टर शिवा ने बहुत सारी चीजें बताए हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी तरह से सीड के बताना चाहता हूँ। ये देखिए, जब भी हम टेक्स्ट बुक देखते हैं या कुछ विकिपीडिया में देखते हैं, तो हमको ये सारे चीजें डेफिनेशन में मिलते हैं। सीड क्या होता है? सीड होता है राइबोरियोल, इट्स एन एम्ब्रियोनिक प्लांट, इट्स इट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स ए डेवलप्ड जायगोट एंड ऑल दैट। बट लेट अस लुक बियॉन्ड दिस। एक होता है सीड, सीड का वो सेल्समैन का डेफिनेशन क्या होता है? सीड सेल्समैन के लिए इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीड फॉर ए सीड सेल्समैन इज सीड टू सीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार बीज बेचने के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है, तब से शुरू होता है। तब तक हार्वेस्ट नहीं होता है तब तक वो सीड का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे रहता है, ठीक है। सेकेंड इज सीड इज एन इनपुट, इट्स ए कॉन्सेप्ट। सीड इज नॉट ए मर्चेंडाइज, इट इज नॉट ए कमोडिटी टू सेल, इट्स ए प्रॉमिस ऑफ यील्ड। सीड में यील्ड भरा हुआ है, जैसे आप डॉक्टर शिवा बता रहे थे कि एक बीज से कितने बीज बनते हैं, ऐसे यील्ड जो है वो सीड में भरा हुआ है। सीड सेल्समैन के लिए सीड इज एन इनपुट, सीड सेलिंग इज ए कॉन्सेप्ट। ओके, एवरी प्रोडक्ट, इट लेट इट बी ए हाइब्रिड, इट कैन बी ए ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी और इट कैन बी हाई यील्डिंग वैरायटी, एवरीथिंग इज ए कॉन्सेप्ट। ओके, सेलिंग सीड इज ए सेलिंग ड्रीम, इसलिए सीडमैन को हमेशा सपनों का सौदागर बोला जाता है, बिकॉज वी सेल ड्रीम्स टू द फार्मर। नेक्स्ट इज फॉर द ब्रीडर, व्हाट इज सीड फॉर द ब्रीडर? ब्रीडर के लिए इट इज ए कैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बाहर से कुछ नहीं डाला है, वो सीड के अंदर ही है। ऐसा नहीं कि कोई कॉटन का सीड खरीदता है उसके साथ और एक पैकेट डाल के देते हैं। सीड में ही भरा हुआ है बीटी, मतलब ये है सीड इज द कैरियर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी बनता है वो सीड में ही डाला जाता है। सीड इज पैकेजिंग फॉर मिलियंस ऑफ डिजायरेबल ट्रेड्स। जैसे जेनेटिक्स के बारे में डॉक्टर शिवा ने बताया, बहुत सारे चीजें उसमें जो भी डिजायरेबल ट्रेड्स है उसमें भरा हुआ है। सीड इज ए लैब एंड ए ड्रॉइंग बोर्ड फॉर द ब्रीडर। वो काम करने के लिए उसके लिए लैब भी है और ड्रॉइंग बोर्ड भी है। और सीड इज क्रिएटिविटी एंड ए मेजर ऑफ हिज और हर सक्सेस। जैसे हम अपने एज ए सीड सेल्समैन वी लुक एट अवर सक्सेस, एज कितना हमने सीड बेचा है, कितना कलेक्शन लाया है, कितना कंप्लेंट हैंडल किया है। फॉर ए ब्रीडर क्रिएटिविटी एंड द मेजर ऑफ हिज सक्सेस इज हाउ मेनी सक्सेसफुल हाइब्रिड ही हैज स्प्रेड। एंड सीड इज ए कंटेनर ऑफ जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म और कहीं नहीं मिलता, वो सीड के अंदर ही भरा हुआ रहता है। सो इट इज ए कंटेनर ऑफ जर्मप्लाज्म। और फार्मर के लिए क्या है सीड? सीड इज ए होप। जब भी वो सीड खरीदता है, इट इज एन अश्योरेंस ऑफ हिज इनकम। ये भी हाइब्रिड डालने से मुझे इतना इनकम मिलता है, ये हमेशा उसके मन में ये हिसाब किताब चलता रहता है। और सीड इज ए होप फॉर द नेशन। सीड क्या होता है? सीड इज फूड सिक्योरिटी। सीड इज इट ड्राइव्स द जीडीपी एंड सीड जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर, सीड इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ओके, फॉर ऑल द सीड कंपनीज, सीड इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज ए मनी स्पिनर एंड इट्स अ वैल्यू चेन। सीड इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट प्लीज। सीड इज ऑल्सो ए प्रॉफिट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सीड इज ए बिजनेस सीक्रेट बिकॉज सीड कंपनीज होल्ड जर्मप्लाज्म क्लोज टू देयर चेस्ट एंड इट्स अ बिजनेस स्टेटमेंट। एंड इट्स ए मॉनिटर इफ वी डोंट केयर ऑफ द टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एटसेट्रा। So one has to be very careful while handling the seed as an entrepreneur. For a country, seed is a food security and it also drives the GDP because agriculture depends on the quality of the seed when the farmer uses, and seed generates employment. It's an employment opportunity. So these are the different aspects of the seed. Now let us look at kuch seed bechne ke liye kya kya dikkatein hote hain, uske bare mein main
कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ. वन इज आई फील इट्स अ मोस्ट चैलेंजिंग जॉब ऑन द प्लैनेट. इसमें जो भी मैंने एग्जैगरेशन किया है ये दैट इज डन विद एन इंटेंशन. ओके, पॉपुलरली हम ऐसा बोलते हैं हमेशा सीड वालों को कि गिव हिम अ लिटिल और वो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट एंड ही प्रेजेंट्स इट एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन द मार्केट. सही है ना? तो सीडमैन ही ड्राइव्स द वैल्यू चेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही गेट्स द मनी फ्रॉम द मार्केट. नेक्स्ट, वट आर द चैलेंजेस फॉर द सीड सेलिंग सीड्स? Monopoly product. So there is nothing called monopoly in seed business nowadays. Because if you come out with the best hybrid today, it will be copied and brought into the market the very next day. There are a lot of me-toos in the market. And pull for the product is very short-lived because the rapid succession with which our breeders are bringing out new products into the market and getting released into the market, product ka life cycle jo hai pura shrunk ho gaya. It is shrunken. Product life cycle bahut kam hote ja raha hai. Isliye जो भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज वेरी टेम्पररी. सो इसलिए मैंने पहले ही स्लाइड में बताया कि सीड इज ऑलवेज ए स्पीड. नाउएडेज सीड सेल्समैन हैज टू बी इसमें बहुत सारे उसमें गुण की आवश्यकता होती है. जैसे यहाँ पे मैंने दिखाई है स्विस नाइफ. वी थिंक दैट सीडमैन शुड बी लाइक ए स्विस नाइफ. ही शुड बी टेक्निकली स्ट्रांग. नेक्स्ट कमर्शियली प्रूडेंट. नेक्स्ट he has to be smart, street smart too. These are all the expectation about a seedsman. And there is a price war in the market. Price kaise hota hai? Competitor, he gives a better product at a lower price. This is one problem. Another is trade wants higher discounts. Trade hamesha discount ke liye jhagadta rehta hai. Aur upar jo baitha hai, wo hai boss. Boss chahta hai ki hamesha higher NRV chahiye. Ye sare cheeze ye seed salesman ke upar hota hai. He is constantly under pressure. And thing is that since the new products are coming into the market, he has to handle so many new technologies. He has to constantly upgrade his knowledge. Okay, these are the requirements of the seedsman. Brand kya hota hai? Each variety or hybrid itself is a brand. There is nothing called a company and it has got its brand. Everything that is sold in the market has a brand, as a crop, as a product. It is not that. For, I have given an example here. If there is a company which is selling big quantity of maize, and it does not really mean that it can easily sell cotton. It has to go through the same curve. One has to go to the trialing. One has to establish the product, showcase the product, showcase the performance. Then only it will be accepted in the market. Next. Sir, aapka Hindi bhi acha, Hindi mein bhi bolte rahiye sir. Theek hai. ओके तो पर मैंने ये बताया कि जैसे मक्का का कंपनी है वो प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो चुका है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत कॉटन भी बेच सकता है. ऐसा नहीं होता है क्योंकि कॉटन क्या जो भी करना है कॉटन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन लगाना है, लोगों का प्रोडक्ट परफॉर्मेंस दिखाना है, ये सारे चीजें करना पड़ता है. ठीक है. और MNC को देसी कंपनियों से ज्यादा फायदा मिलता है. ये नहीं ब्रांड कुछ भी नहीं होता है. ब्रांड तो प्रोडक्ट ही है. यहाँ पे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस पर करेगा तो वो ही खुद ब्रांड बनेगा. ठीक है. और टॉप ब्रांड जो होता है वो जिसका क्वालिटी है उसका परफॉर्मेंस जिसका परफॉर्मेंस है वही ब्रांड बनेगा. ठीक है. बॉटम लाइन जो है एवरी कंपनी हैज टू डिलीवर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एंड अंडरगो द सेम कर्व. चाहे वो इंडियन कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो जो भी हो एवरी वन हैज टू वर्क इन द फील्ड डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड डील विद द फार्मर. ए कंपनी कैन नॉट बिकम ए चैंपियन ऑफ ऑल द क्रॉप्स. और जैसे ही सेल्समैन भी हर एक चीज का हर एक प्रोडक्ट का चैंपियन नहीं बन सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और नेक्स्ट जो है अनसर्टेनिटीज. जैसे हमेशा ये बोला जाता है कि इन सीड बिजनेस द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी. तो ये बहुत सारे चीजें मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है. जैसे लॉजिस्टिक्स है, मार्केट में सही टाइम पे मटेरियल मिलना चाहिए. ये अपने हाथ में नहीं है. इट इज ऑल अगेन मैटर विद द कंपनी एंड मैटर विद द प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन. ओके. देन लिमिटेड सेल्स विंडो. बहुत सारे चीजें हम जो बेचते हैं उनके लिए सेल्स विंडो जो है काफी लिमिटेड होता है. जैसे सोरगम है और उस टाइम पे बारिश नहीं आया है, नई सोइंग नहीं हुआ तो सारे के सारे चीजें वापस लेना पड़ता है. वो सीड्समैन हैज टू बी ऑलवेज अलर्ट, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड जंप इन. बिलो प्रॉमिस परफॉर्मेंस इन द फार्मर्स फील्ड. ये हमेशा हमको डराते रहता है. जो हम बोलते हैं कि इतना यील्ड आएगा, इतना उपज मिलेगा, इतना ये क्वालिटी का टमाटर रहेगा, ये क्वालिटी का चिली रहेगा, सब कुछ
लेकिन फार्मर के फील्ड में हमेशा उसमें गैप होता है, अंतर होता है। ये गैप फिलअप करने के लिए बहुत हमको तकलीफ उठाना पड़ता है। प्रॉमिस एंड निगेट इट साइमल्टेनियस, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ए सेल्समैन एज ए सीड सेल्समैन। कुछ बोलना पड़ता है, बाद में अंडू भी करना पड़ता है, उसको बोलना बोल के भी उसको डिनाई भी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी परफॉर्मेंस है वो हमारे हाथ में नहीं है। फार्मर जो मैनेजमेंट करता है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम जो प्रॉमिस करते हैं शायद वो फील्ड में हमको दिखाई नहीं देगा। ओके, मेनी बॉसेस हमारे सीडमैन के ऊपर बहुत सारे बॉसेस होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट है, ब्रीडर्स है, ट्रेड है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, इंस्पेक्टर्स है, कॉम्पिटिशन है, एंड द कस्टमर्स द फार्मर्स देमसेल्व्स आर आवर बॉसेस। और उसके साथ में नेक्स्ट घर में बीवी भी है। इतने सारे को हैंडल करना पड़ता है सीडमैन को। नेक्स्ट, नथिंग अंडर आवर कंट्रोल। पर जैसे पहले मैंने बताया कि द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। मानसून अपने हाथ में नहीं है, सीड क्वालिटी अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि जो सीड्समैन फील्ड में है उसको जो भी पैक करके उसके हाथ में सीड आता है उसको ट्रस्ट करके उसको बेचना है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज द फार्मर्स मैनेजमेंट। वो जो करता है, जितना फर्टिलाइजर लगाता है, कितना पानी देता है, वो भी सीडमैन के हाथ में नहीं है। ये सब राम भरोसे के में चलता है। ओके, बॉटम लाइन इज लेट अस एडमायर वन थिंग दैट सीड इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, इट इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट्स अ बायोलॉजिकल एंटिटी, एंड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी अश्योर्ड ओवर जियोग्राफीज, सीजंस एंड ग्रोइंग कंडीशंस। नेक्स्ट प्लीज। एंड वी ऑलवेज थिंक, हम हमेशा समझते हैं कि ये एक मर्चेंडाइज है, सीड बेचने का जो है इट्स अ कमोडिटी। नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट विच वी आर सेलिंग। आई हैव बीन टेलिंग सिंस इन द बिगिनिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन, इट इज अ कॉन्सेप्ट। सीड कम्स विद अ सेट ऑफ वोस, प्रॉब्लम के साथ में ही आता है, उसमें क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट व्हाट एवर कम्स आउट ऑफ आवर सप्लाई चेन। हमको मालूम नहीं है, वो गो बाय द लेबल स्टैंडर्ड। हम मानते हैं कि कंपनी ने पूरा कोशिश करके पूरा सीड अच्छे क्वालिटी का हमको दिया है, लेकिन बहुत सारे चीजों में ऐसे होता है कि कुछ गड़बड़ उसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट, ऑब्सोलेशंस, वैरायटी एंड टेक्नोलॉजी। आजकल इतने टेक्नोलॉजीज डेवलप होते जा रहे हैं और इतने सारे नए नए हाइब्रिड मार्केट में आ रहे हैं, उसमें ये नए नए गुण भी डालते जा रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट ऑब्सोलेशंस होते जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। नेक्स्ट, वायबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ। सीड एज आई सेड इज अ बायोलॉजिकल एंटिटी, उसका इट हैज गॉट अ सर्टन लाइफ, इट हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली एट अवर वेयर हाउस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो एट द रिटेलर्स प्लेस। उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो उस शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है एंड वी एंड अप इन प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे मार्केट में जो हम समझते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा हाइब्रिड अच्छा है, लेकिन मीटू जितने आ जाते हैं मार्केट में कि उनके साथ में भी हमको कॉम्पीट करना पड़ता है। एंड जो भी है, जहाँ पे भी हम सीड को रखते हैं वहाँ पे स्टोरेज पेस्ट का प्रॉब्लम होता है, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ये सारे चीजें हम पार करके अच्छे फसल फार्मर को मिला, देन वी शुड टेक दैट क्रेडिट। अदरवाइज इट इज वी आर ऑलवेज एज आई सेड इट इज अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, adaptability issues, there are many, because of the climate change, because of the temperature changes in the atmosphere, in the weather conditions, all these things impact the performance of the seed. Okay, and there are new diseases and new abiotic and biotic stresses which are coming up, and the seed has to withstand all that, which is very much is beyond the control of the seedsman. The bottom line is final output is there is always a variance in promise to quantity of quality of produce. There is always a variance, there is always a gap. So what is the moral of the story? The ultimate bottom line is this: difficult to replicate demo results on the farmer's field. We should take it for granted that we cannot replicate the results which we got in our demo fields or what the R&D says. So selling the seeds is a constant struggle to narrow the gap in results. So we have to always upgrade the farmer as well as the give him the right nice technology so that he comes at par with the results what we obtained in our demos, or as we have noticed in our R&D farms. Okay, and
दिस इज अ कॉमेंट विच आई डोंट वॉन्ट टू यू नो फर्दर डिस्कस ऑन दिस. विमेन सेल्डम एक्सेप्ट सीड सेलिंग एज अ करियर ऑप्शन. द रीजन इज दे लीव इट लीव द स्ट्रगल टू द मैन. ओके नेक्स्ट. बट वी मस्ट हैव नोटिस, हमने देखा होगा सीड की मार्केट में कि फार वुमेन हैव द फाइनल से व्हाइल बाइंग द सीड. शी डिसाइड्स द हाइब्रिड व्हिच हैज टू बी प्लांटेड एंड द हस्बैंड लिसन्स टू हर मोर देन हिज फ्रेंड्स. ओके सो नेक्स्ट प्लीज. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट overview. Next slide. Yeah. Overview. See, now we'll come to the core issue of now it is 5:28. I can have another 10 minutes, doctor, or another 7-8 minutes. 7 minutes, sir. 7 minutes. Okay. I'll quickly run through. Okay. अभी हम core issue पे आएंगे. Lockdown का crisis कैसे हम संभाल सकते हैं. ठीक है. Being in agriculture business, the disruptions are low. This is what the experts say. Compared to any other industry, disruptions because of this lockdown are much less in our business, in our agriculture section. Post 20th of April, because of the Ministry of Home Affairs guidelines, 20 April के बाद में जो भी हो रहा है मार्केट में, मैं थोड़ी सी इसमें समझा देता हूँ. Markets are opening up. कई जगहों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकान खुल रहे हैं, कहीं 7 बजे से 12 बजे तक दुकान खुल रहे हैं. ये सारे चीजें हमको 20 अप्रैल के बाद में हमको देखने को मिल रहा है. लॉजिस्टिक इश्यूज लाइक मूवमेंट ऑफ सीड्स इज मिटिगेटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट. तो पहले पूरा ट्रांसपोर्ट लॉकडाउन था, अभी ट्रक्स आर मूविंग, स्मॉल ट्रक्स आर ऑल्सो मूविंग एंड द लॉजिस्टिक इश्यूज आर सॉल्व टू ए ग्रेट एक्सटेंट. एंड सीड जो है 60-70% ऑलरेडी प्लांट में आ चुका है और मार्केट में 30-50% हैज ऑलरेडी गॉन इनटू द मार्केट. सो वी आर सेव टू ए ग्रेट एक्सटेंट. नेक्स्ट प्लीज. यस सर. दीज आर द इंडस्ट्रियल एवरेजेस. मैं जो अभी जो बोल रहा हूँ, हर एक कंपनी का नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन जो भी ओवरऑल इंडस्ट्रियल सिनेरियो है मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ. और उसके साथ में और बाकी जो भी चीज है नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे. लेकिन बॉटम लाइन इज क्या, the rules of the game have changed because of this lockdown crisis, because of corona or COVID-19, whatever you call it, the rules of the game have changed. इसलिए हमको भी बदलना चाहिए. जो बदलेगा वो जीतेगा. You change and then only one can win. Okay. तो बदलाव क्या लाना चाहिए एक देख लेंगे. पहले क्रॉप वाइज let us make an analysis की क्या स्थिति है. मीन्स जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो भी यहाँ पे नंबर मैं बता रहा हूँ, दीज आर दी इंडस्ट्रियल नंबर्स. ओके, हर एक कंपनी का अलग अलग नंबर हो सकते हैं. प्लीज गो अहेड. नेक्स्ट प्लीज. और स्टॉक सर, मैं इसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक जो भी जितना भी प्रोडक्शन लिया गया था वो पूरा मार्केट में आ चुका है, मतलब प्लांट में आ चुका है. नेक्स्ट इज पैकिंग प्रोग्रेस इज बहुत अच्छा है. सप्लाई ऑलरेडी कॉमेंस, बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी सीड पहुंच गया है. But I foresee in case of single crosses, there is a drop in about 20-25%. This is what the information I'm getting from the supply chain areas. Okay, there is a 20-25% of the availability in case of single crosses. Okay, and because of unattractive commercial price, पहले 2200 तक चला गया था मक्का का price जो है commercial price. अभी 1200-1300 रुपए पे चल रहा है बिकॉज ऑफ यू नो द फैक्टर्स वेरी वेल, बिकॉज ऑफ पोल्ट्री एंड एनिमल फीड मार्केट क्रैशिंग एंड ऑल दैट. ओके, इसलिए मेरे हिसाब से 10-15% एरिया भी कम हो सकता है. तो वट एवर कमी आया है कि इसमें मेज प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी में, सीड अवेलेबिलिटी में, प्रॉब्ली दैट विल बी बैलेंस विद अ लेसर प्लांटिंग एरिया. बाजरा के बारे में बात करना है तो देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ वरीसम एटमोस्फियर हियर. इन केस ऑफ बाजरा ओनली 50% ऑफ द प्रोडक्शन हैज रीच द प्लांट, रिमेनिंग 50% इज येट टू बी हार्वेस्टेड. ठीक है, आई फोरसी अबाउट 25% शॉर्टेज ऑफ सीड्स अगेंस्ट द डिमांड. ठीक है, एंड फर्दर देखते हैं कि वो सप्लाईज काफी देर भी हो सकता है और उसमें स्टैगरिंग भी हो सकता है. लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी मे फेस इन केस ऑफ बाजरा. इन केस ऑफ कॉटन the पोजिशन इज वेरी कंफर्टेबल, द सप्लाईज आर रीचिंग ऑन टाइम and there is absolutely no problem. In case of hybrid rice, I have got some 2-3 points
kindly I request all the members to check with their respective companies whether these things are correct. Okay, one is I foresee delay in supplies because much of the about 60% of the crop is yet to be harvested and brought to the plant, and seed yield is reduced to a great extent because of some nicking problem and all that. Okay, and though 60% has arrived, it is being packed and dispatched to different markets. Okay, and the condition may vary from one company to another, and you please cross check with your company. Next, the suggestion is in case of field crops is please lift whatever you can sell. जितना हम बेच सकते हैं उतना ही उठा लीजिए, क्योंकि लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, पैकिंग का प्रॉब्लम है, हर एक बहुत सारे चीजें इसमें है. एंड प्लीज इंश्योर दैट देर इज नो सेल्स रिटर्न, जीरो, एम एट जीरो सेल्स रिटर्न. और जो भी जिसको भी देते हैं मिनिमाइज द क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट पीरियड. नेक्स्ट इज इफ यू लुक एट द वेजिटेबल्स, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज वेरी कंफर्टेबल, इट हैज ऑलरेडी रीच्ड द प्लांट. इम्पोर्ट्स वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम द सी रोड इज ओके, एयर फ्रॉम एयर कार्गो इट इज वेरी मच अंडर प्रेशर, एक्सपोर्ट्स आर बैडली. चलो हम को कोई बात नहीं करने का उसके बारे में, एक्सपोर्ट इज नॉट अंडर द डिस्कशन नाउ. ओके, बट इन केस ऑफ फ्लावर क्रॉप्स लॉकडाउन के वजह से सारे फंक्शंस क्लोज हो चुके हैं, देर आर नो मैरिजेस, देर आर नो सोशल फंक्शंस, सो डिमांड फॉर फ्लावर इज वेरी मच रिड्यूस्ड. फार्मर्स आर डिस्ट्रॉइंग द नर्सरी मैन आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द सीडलिंग्स दैट दे हैड रेस्ड, स्पेशली इन केस ऑफ मैरीगोल्ड. So this is the situation with the flower crops. But the thing is that since we are not able to go out and meet our customers, collect the orders, go to the farmer and talk about the product, etc., the only the popular hybrids will get the orders on phone. You will be able to get the orders only on phone for the popular hybrids. Okay, जो भी नया hybrids है, जो भी नया लोग है, उनके लिए बहुत सारे तकलीफ उठाना पड़ता है. Next please. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अगेन इन केस ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो प्लीज टेक वॉट एवर यू कैन सेल एंड जीरो सेल्स रिटर्न, एम एट जीरो सेल्स रिटर्न. एंड जो भी स्टार प्रोडक्ट्स है अपने पास में, लेट अस हेल्प द कंपनी टू जनरेट कैश, सेल देम ऑन कैश, मेक इट ए स्ट्रेटजी टू सेल द पॉपुलर हाइब्रिड्स ऑन कैश. तो प्लांट ऑपरेशंस कैसे है जरा देख लेंगे. लेबर का प्रॉब्लम तो है ही है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, देयर इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ता है, किसका प्लांट कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो लोगों को अंदर ले सकते हैं और उनको बिठा के काम करके ले सकते हैं. हाइजीन इश्यूज आर देयर एंड वेजेस आर ऑन द राइज, द कॉस्ट ऑफ द लेबर इज गोइंग अप. लॉजिस्टिक्स में जैसे हमने पहले ही बात किया, थोड़ा अच्छे अभी मिटिगेशन हो गया है, फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ एंड साइज ऑफ द ट्रक्स इज स्टिल चैलेंज. ओके, एंड द लीड टाइम हैज रियली रिड्यूस्ड. इनफैक्ट आई वॉज टॉकिंग टू वन फ्रेंड, यू नो, हु हैज सेंट पैडी फ्रॉम हैदराबाद टू रांची, इट हैज रीच्ड इन 26 आवर्स बिकॉज देर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड. ओके, द ट्रक्स आर मूविंग वेरी फास्ट. ओके, एंड रिगार्डिंग अदर थिंग्स इन द प्लांट लाइक मशीनरी अपकीप एंड मेंटेनेंस, दैट्स ऑल्सो बिग चैलेंज बिकॉज द स्पेयर पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल, कंज्यूमेबल्स आर नॉट अवेलेबल. And packing material is another problem. The units are shut down because they don't have the raw material. There is no labor availability. All these issues are impacting the performance of the plant operations. Yes. So next, I suggest this following strategy. One is that we have to plan our shipments accurately. जितना हम बेच सकते हैं उतना ही हमको उठाना चाहिए, और जब चाहिए वो भी क्लियरली प्लांट को बताना चाहिए ताकि वो प्रायोरिटी पे हमको भेज सकते हैं. एंड हेल्प मिनिमाइज लॉजिस्टिक कॉस्ट, वी ऑल द कंपनीज आर अंडर ट्रेमेंडस फाइनेंशियल प्रेशर एंड वी हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट. यहाँ से वहां से उठा के खर्च नहीं कर सकते जो नॉर्मल सीजन में होता है, इंटर पार्टी ट्रांसफर एंड ऑल दैट, दोज आर टू बी अवॉइडेड. नेक्स्ट इज बी सेंसिटिव टू प्लांट प्रॉब्लम्स. जो भी प्लांट वाला बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उसके साथ में हमको सहयोग देना चाहिए. नो रूमर मांगने कि ये हो रहा है, ये शॉर्टेज है, ये है, प्लीज गेट द राइट इंफॉर्मेशन एंड दैट ओनली यू डिस्कस इन द मार्केट, अदरवाइज
rumor mongering may impact us and hit us badly. Right. Next, please. One or two more minutes. Okay, done. The financial part, this is very important. Friends, I want you to have a look at this. Working capital is under pressure. There is a credit squeeze from the banks and the financial institutions. Companies are not getting the money. Cash crunch is there because the collections are also under pressure. There is mounting expenses. Everything has gone up. We have been getting our salaries for and wages for the last 2 months without making any contribution to the company. The interest and EMIs are also there, which are being cleared. The EMI, though the government says ki 3 mahine ka EMI ka humko chhut mila hai, holiday mila hai, aisa nahi ho sakta. Uske saath mein interest bhi lagayega bank. Insurance, entire team has to be insured for health as well as for the accident insurance, everything. Even the warehouse has, all the stocks are to be insured. That's a big cost. And then minimum maintenance cost is always already there. Because last 2 months we did not work, the plant also did not work, the company did not work, but the minimal maintenance costs are also have to be incurred. Inventory holding costs are also there. All these costs are hitting us badly. Next, please. So, suggested strategy is reduce the cost. जो भी हमारे हाथ में है वो कर सकते हैं, उतना फायदा हो जाएगा. जितना हम पैसे बचाएंगे कंपनी के लिए उतना फायदा हम कर सकते हैं. Expedite collections. This is our prime responsibility to collect the money from the market. We have to be on our toes to get the money, either on phone or through your social contracts or personally going and collecting the money from the trade. That is very important. Tight credit control is very much necessary. Fresh supplies ke liye control jo bhi hai, credit control tight rakhna chahiye. Go filter the party. Jo acha party hai unke saath mein is baar abhi apne ko जो भी अच्छे पार्टी है उनको फिल्टर करके उनके साथ में हमको बिजनेस करना है. एंड ऑफर सीडी एंड सेल ऑन कैश. जितना हो सकता है सीडी स्कीम लाइए, कैश पे लाइए, जनरेट कैश. जो बॉटम लाइन जो है, आई एम नॉट एबल टू सी द बॉटम लाइन देयर, रीड इट आउट सर. थोड़ा क्लोज करेंगे तो हम समन साहब को सुनेंगे. या दिस ओके trade. Yeah, anyway, let me complete it. Yeah, trade के बारे में, we have to deal only with the trusted parties. अभी कोई experiment नहीं कर सकते हैं नए parties के साथ में. जो भी trustworthy नहीं है उनको छोड़ दीजिए. इस season हम उनके साथ में बातें नहीं करेंगे. Next is provide investment opportunities. जो भी जिनके पास में पैसे हैं उनको अच्छे discount देके उनका पैसे उठा के कंपनी में डाल दीजिए, ताकि कंपनी को भी थोड़ा मदद मिलेगा. गो फॉर रीजनेबल प्राइसिंग. प्लीज टेल योर मैनेजमेंट टू नॉट टू इंक्रीज द प्राइसेस, बिकॉज अभी जो है जितना हमारे पास में मटेरियल है वो बेच के बाहर होना बहुत अच्छा रहेगा. कम प्राइस की मतलब बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रीजनेबल को बोर्ड में रखा है. रीजनेबल का अर्थ जो है अलग अलग कंपनी में अलग अलग होता है. आपकी मैनेजमेंट के साथ में बात करके जो भी रीजनेबल प्राइसिंग आप मार्केट में दे सकते हैं वो दे दीजिए. कंट्रोल सप्लाईज एज वेल एज क्रेडिट. मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, आप जो बेचने का हमको कोई उम्मीद नहीं है उसको मत बेचिए, उसको मत उठाइए. जो बेच सकते हैं, जिसको हम क्रेडिट दे सकते हैं, उनके साथ में हम बिजनेस करेंगे. अवॉइड क्रेडिट एंड टू क्रेडिट. जो भी क्रेडिट देता है ऐसे रिटेलर को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो पैसे फंसते ही जाएगा. जो कैश एंड कैरी में बिजनेस कर रहे हैं वैसे रिटेलर के साथ में हमारा बिजनेस करना चाहिए. ट्रैवलिंग, ये इसमें जो भी 4-5 पॉइंट है मैं तुरंत बता देता हूँ. दीज आर वेरी कॉमन सेंस पॉइंट. आपको मालूम है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ 100%. स्ट्रिक्टली फॉलो हेल्थ प्रोटोकॉल. मास्क पहनिए, सैनिटाइजर रखिए साथ में. कैरी फूड एंड वाटर फ्रॉम होम. अवॉइड नाइट हॉल्ट, क्योंकि कोई भी लॉजिंग में रहने का कोई भी लॉजिंग अच्छा नहीं है, अभी रह नहीं सकते हैं. प्लीज सी दैट देर इज इनफ फ्यूअल इन योर व्हीकल. प्लीज कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स. कंपनी आईडी, आधार कार्ड हमेशा साथ में रखिए. व्हीकल का डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस रखिए. लॉकडाउन पास फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द डायरेक्टर्स आर गिविंग द कर्फ्यू पासेस, द लॉकडाउन पासेस. प्लीज टेक देम, डिस्प्ले देम वेरी बोल्डली ऑन योर कार और वॉट एवर मोटरसाइकिल, वॉट एवर इज देयर. और ये हमेशा रखिए. कोऑपरेट विथ लॉ एनफोर्सिंग एंड हेल्थ एजेंसीज. उनके साथ में झगड़ा मत कीजिए. डोंट गेट इनटू आर्गुमेंट विद द पुलिस.
ओके एंड प्लान योर ट्रेवल इन सच ए वे दैट इट इज 100% पर्पजफुल. बिफोर हिटिंग द रोड आई वॉन्ट यू टू आस्क 3 क्वेश्चन टू योर सेल्फ. आप खुद पूछ लीजिए, शुड आई ट्रेवल, आज जाना जरूरी है क्या? टेली मार्केटिंग करके इफेक्टिव मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या? क्या फोन पे बात करके मैं बिजनेस को संभाल सकता हूँ क्या? ये पूछ लीजिए, तब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. और सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमेशा डालते रहिए, ई पोस्टर्स बनाइए. ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा ट्रेवलिंग भी कम हो जाएगा, ट्रेवल का कॉस्ट भी बचेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा. तो दीज आर दी थिंग्स एंड यूजर द एंड यूजर इज द फार्मर. फार्मर इज इन ICU. ठीक है, उसको ICU से बाहर निकालना है. ठीक है, ICU से हम बाहर नहीं निकालेंगे then very soon we will all be all in ICU. ठीक है, प्लीज बी विद द फार्मर, डोंट एक्सपेरिमेंट विद द फार्मर विद द न्यू हाइब्रिड्स. इफ एट ऑल अपने पास में कुछ अच्छा हाइब्रिड नहीं है तो थर्ड पार्टी का हाइब्रिड भी आप रिकमेंड कर सकते हैं. प्लीज बी विद द फार्मर. ओके एंड दिस वी आर ऑल कोरोना वॉरियर्स. थैंक यू सर, दैट इज अ फिनोमिनल प्रेजेंटेशन. आपको आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी. शरद साहब को थैंक यू, धन्यवाद बोलेंगे. Thank you very much, sir. Really, you are so enthusiastic. You want to speak. I would have loved, you know, maybe we can have one more webinar, sir. Jaldi se. Abhi Somani sahab, Namaskar. Aap line pe aa jaiye, sir. Am I audible? Yes, sir. You are visible also. Audible and visible. Thank you, sir. Please. Thank you very much. Hello. Thank you everybody and thank you to Dr. Shiva. Hello, sir. Dr. Deshpande has made my things very easy. The thing he has covered, I don't have any presentation. I will be only speaking. Please, sir. Please. Foremost, this defined very well about seed farmer, seed man as a warrior. Really, all seed men, all sales guys, all front guys, you know, they are really warriors. And at this moment, I compare them equivalent to our army. So they are not less than any Indian army, because the future all. So it's really our, front guys are very similar to our military people. So, foremost important thing is here, first they have to take care, as Dr. Deshpande suggested, they must have sanitizer, they must, wash their hand, they must carry their food, water, they should not have the, night halts, because nowhere it is safe. So, and not only that, they should educate to the farmers, when they are going and visiting to the farm. So, they are laborers, they must educate and try to avoid contacts, wear the mask. So, all the protection they have to take care. So, this is the foremost very important. Secondly, most of the part as Dr. Deshpande is covered, but I am just covering somewhat generalized points for the sale team. Please, sir. See, first the sale team should develop their own confidence, whether it is a COVID situation, whether it is about your products, whether any scheme, anything is there. Unless and until they themselves are not confident, they will not be able to do any sales. So they should have enough knowledge about their own, about their company's policies, competitors' products, agronomical practices, such as like fertilizer, insecticide, pesticide, then the sowing windows specifically is very, very important for the cold crops, like cauliflower, radish. These are, if you are just delaying or sowing early for 10-15 days, you will have a lot of problems. So they have to be very, very careful about the sowing windows.
whatever the knowledge you have, you must share to the farmers. But while sharing the knowledge about your product, you have to be very, very loyal to the farmers. Definitely, you are loyal to the company, but you have to be very, very loyal to the farmers, because you may be in one company or other. It is not very important in which company you are working, but you are first working for the farmer. Sure. And if you cheat them, if you boast about any of your products and give wrong promises, your own future is going to be in danger. They will not see which company you are working, about which product you are explaining, but they will see this man is cheater. He has not given me proper guidance. So first you will be losing the faith in his heart. See, another thing, nowadays there is a lot of new technologies coming. See, about the greenhouses, polyhouses, this drip irrigation is there, sprinkler irrigations are there, hydroponics are there. Yes, sir. So all salespeople, they should keep updating their knowledge, because see, this situation, COVID situation may impact in the change of technology. See, the right now we are in such a situation, this COVID problem, we don't know whether it is going to be over by after 1 month, after 6 months, or after even 5 years. This is going to live there unless and until we will have any vaccine. So the situation we don't know, and today is COVID-19, tomorrow something else will come. Yes. So challenges will be always there. We have to adopt new technology. Same way, today we are on web seminar. You have to also train the farmers, keep them updated on your maybe you can have same sort of webinar with them. You can have the Facebook presentation. You can also have the YouTube presentation to them. So your knowledge has to be updated always. As in past or current or any time, the farmer is the seeing is the believing. Whatever he sees personally, he believes. If he just going for advertisement or promises, then so many seed companies would have hired either Amitabh Bachchan or somebody else, Sachin Tendulkar, and then they would have given the advertisement. So that is not the case in our case. Our case is, he will see first himself, he will experience it. He may like to discuss with his colleague, maybe a village leader, and then only he trust even to the dealer distributor. He is not going to trust directly. So try to show them current videos, update them about your varieties, and motivate them. If required, some trials are to be given. And last point, what I wanted to emphasize again, what Dr. Deshpande also said same thing, that this year the financial situation of farmer also is not good. Due to this COVID problem, almost last 1.5 months we are in the COVID problem. So most of the farmer, they are not able to sell their vegetable crops, yes, fruits crops. Yes, sir. It is stuck somewhere. Only big cities, nearby big cities, the farmers are able to bring to the town, and they sold it. They might have got the price or might not have got the price. They have been squeezed. Consumer also is being squeezed. They are getting at very high price. At the same time, farmer is not getting good price. But however, this very far off, from the big cities, those farmers, they did not even able to transport. Recently, even in the city like Pune,
One farmer brought the mangoes and he announced, he sent the messages and video calls, everything, that I have brought the mango. Even if anybody wants to take free, because I am not able to look after you, please take away these mangoes and let me get free. So the situation is like that. So even given circumstances, we have to be very, very selective about the dealer distributor, the big distributors who is able to give credit, or the farmers, so those who are going to pay the cash to them. That sort of some shortlisting of the distributors we have to do, and we have to supply to them, because even the transport is going to be a challenge. So if you keep supplying very interior part, it might not reach in time, and the material will get stuck into the transport system. Same time, it will also, you will not also get payments. So this year, as already explained by Dr. Deshpande, financial positions of the seed companies will not be that good, because the collections will be very poor. Already banks have shown their stress problem, so we may not be able to get that much funding as required. And at the same time, we have to manage with the minimum travel, minimum expenses, but maximum output. This has to be kept in the mind. So I think with this, I will complete my, because time also is not there. Wonderful, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Hum salute kar rahe, sir. You are a real warrior, sir. You are our leader, sir. You are our pitamaha, Bhishma pitamaha. Thank you so much. Aapne achha margadarshan diya. मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूं, आपके चैट बॉक्स में आप लिख लीजिए. थैंक यू सोमानी साहब. थैंक यू सोमानी साहब. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शरद साहब. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच सोमानी साहब. माने साहब मैंने आपको अनम्यूट किया. माने साहब आप लाइन पे आके बात कीजिए, आप जो बोलना चाहते हैं. हेलो. यस यस माने साहब, वेरी गुड. थैंक यू, यू आर देयर. नमस्ते टू यू. Namaste. All of you. Yes. Hello. Yes, yes, we can hear you. First of all, thanks to Dr. Shiva Prasad. Presently, entire world is passing through a very hard situation. All businesses are at halt. All rich peoples, they are at home due to lockdown, but persons who are working in the fields are the farmer. No lockdown effect to them. They are producing and supplying food to all. And the great noble work they are doing in this hard situation. Seed industry frontline sales force, R&D people, plants and logistics department, they are working in the field, and their respective departments is also working very hard. They know what after pandemics there will be a food crisis. After pandemic, there may be a food crisis, and that's why they are helping farmers by supplying seed to them. My view. माने साहब, थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो हम सबको, अलग अलग राज्यों से हैं, हिंदी में आप बोल पाएंगे तो अच्छा होगा साहब. अभी ऐसा सिचुएशन है कि
फार्मर को जो हेल्प करेगा वो रियल हीरो है। श्योर, क्योंकि सब इंडस्ट्री बंद है लेकिन फार्मिंग इंडस्ट्री चालू है ड्यू टू अवर गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड यू सी फार्मर्स आर ऑल्सो टेकिंग अ रिस्क टू वर्क इन द एंड वर्किंग इन द फील्ड। यस सर। एंड आई फील वेरी मैं इतना नमन करना चाहता हूं ऐसे सिचुएशन में। फार्मर एक ऐसा चीज है, वो गॉड ही है। यदि फार्मर नहीं प्रोड्यूस किया तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता था। आजकल आप मुंबई पुणे इसमें देखिए कि वेजिटेबल लेने के लिए झुंड से झुंड लोग निकल जाते हैं। यदि वेजिटेबल ही तैयार नहीं होता तो क्या होता है जी। तो जो हमारे रियल हीरो है जो फार्मर को हेल्प कर रहे हैं वो बहुत ही सम्माननीय काम कर रहा है और वो काम आगे भी करना चाहिए। और हमारे बहुत सारे डॉक्टर लोगों ने अभी जो गाइडलाइंस दिया है सेफ्टी के लिए वो सब में रख के रखते फार्मर के साथ काम करना है। और ये सिचुएशन में आप काम करेंगे तो फार्मर को हेल्प हो जाएगा, सीड इंडस्ट्री को हेल्प हो जाएगा और खुद को भी हेल्प हो जाएगा। एंड रियली इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन बट वी रिस्पेक्ट ऑल दिस हीरोज। That's why they are noble work they are doing. Yes, sir. And I salute them. Sure. And each and every scientist, they are also trying in a different way to come out with the different methods for overcoming the situation. But life is always uncertain. And so again, I am saluting to our sales people and all agriculture people as a hero. They are also as like our soldiers, doctors, and all housekeeping people, even police people, all they are doing marvelous work. And that's why all the rest of people, they are re-enjoying sitting in the house. Yeah. With this, main mera chota sa hi speech yahi khatam kar raha hun. Thank you. Thank you very much, sir. आवाज, आपका चेहरा, सुंदर मुस्कुराहट हम देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको बहुत प्लेजेंट स्पीच दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और दो तीन लोग हैं मैं जिनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक तो चंद्रशेखर पाठी साहब और दूसरा है नवीन रापोलू साहब। सो पहले हम एक दो मिनट के लिए हमारे चंद्रशेखर पाठी साहब से फ्रॉम बसंत एग्रोटेक। गुड इवनिंग टू ऑल। अभी तो तीनों सर का अच्छा स्पीक हुआ है, उन्होंने तो बहुत सारे पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं। मुझे अभी सभी फ्रंट लाइन के जो अपने सेल्समैन है उनसे एक ही चीज कहना है कि अपने कैपेसिटी के हिसाब से इस साल मटेरियल खुला के सेल्स करने का ही कोशिश करना है, क्योंकि ये सिचुएशन कब तक चलेगा, कितने दिन तक और आगे रहेगा ये अपने को आइडिया नहीं है। फार्मर कितना घर से बाहर आके सीड खरीद सकेगा, क्योंकि जो शॉप का टाइमिंग है वो भी अभी बहुत कम देर तक अभी शॉप ओपन है, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में है। जो ग्रीन और येलो जोन में है वहाँ के लोगों को थोड़ा मार्केट में घूम के वो लोग काम कर सकते हैं, पर जो रेड डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, रेड जोन में काम है, उनको
मार्केट में भी घूमना पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो ये सिचुएशन में मेरा एक ही सब लोगों से यह है कि आप लोगों का जो भी कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मैं इतना मटेरियल बेच सकता हूँ, उतना ही मटेरियल आप लोगों ने कंपनी से मंगाना चाहिए और जीरो सेल्स रिटर्न पे ही इस साल काम करना चाहिए और कैश पेमेंट पे पेमेंट के ऊपर ध्यान देके मार्केट से पेमेंट कलेक्ट करना चाहिए। यही सिचुएशन में इस बार अपने को काम करना पड़ेगा। तेल कितना हुआ उसको मायने नहीं रखेगा, पर जो भी आया हुआ मटेरियल अगर आप बेच दें तो कंपनी का लॉस उसमें बहुत सारा कम हो जाएगा। कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और प्लांट पे जो साहब ने बोला है कि प्लांट पे प्लांट वालों को जो काम करने में बहुत तकलीफें आ रही है और वो सिचुएशन में अगर सीजन होने के बाद मटेरियल उनके प्लांट पे आ जाता है तो उनको इतना मेहनत पूरा उनका वेस्ट जाएगा। बस इतना ही मेरा ये है कि ये एक नई सीख अपने को मिल रही है इस अपने लाइफ में, इसको एक्सेप्ट करके ये चैलेंज को स्वीकार के अपने को आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत अमूल्य शब्द बोले हैं, अमूल्य मार्गदर्शन दिए हैं, हमारा सेल्स टीम जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे सब लोग सुने थे, बहुत 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 सारे लोग धन्यवाद बोल रहे हैं हमारे सुमानी साहब को, देशपांडे साहब को, माने साहब को, जो भी मार्गदर्शन को मिला। डॉक्टर राघवेंद्र, एक दो शब्द आपकी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। दिस इज डॉक्टर राघवेंद्र फ्रॉम इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन सीड सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो एक्चुअली दिस वेबिनार एक्चुअली आई एम अटेंडिंग सेकंड टाइम, आई अटेंडेड ऑलरेडी टू डेज बैक इन तेलुगु, इट वॉज रियली फैंटास्टिक एंड टूडे इट वॉज कम्प्लीटली इन माई माइंड। एंड एडिशन टू एसटरडेज प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम आई ऑल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस from our experts and gurus. Really, it is a very challenging time and it is we need to take care our business as well ourselves. So instead of just thinking on a commercial way, it is better to think not to lose the business as well as we should be having healthy we should maintain our healthiness. Okay, thank you very much for giving opportunity, sir. Sure, thank you very much for your good words. We appreciate it. Thank you for your interest in participating this webinar again. Bahut dhanyawad, thank you very much. Saman sahab, pranam, namaskar. Thank you for sparing your time and coming here and being. Thank you very much. Deshpande sahab, thank you very much for making excellent presentation, point by point. Industry se bhi aapne bataye the, and I think we will be uploading this video onto the YouTube. वहां से और एक बार भी आप देख सकते हैं। आपको इन स्पेसिफिक इनपुट्स आपको जरूरत है, मेरे को WhatsApp कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। माने साहब नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग अगेन। आपका प्रेरणा है, शुरुआत में आपने मुझे फोन करके थैंक यू वेबिनार क्यों ना डाले बोल के आपने प्रेरणा दिया, उसी के अनुसार हमने आगे बढ़े हैं। और I want to really thank, we have people from Gujarat, Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, alag-alag rajyon se aaye hain, participate kiye hain. Thank you very much. Take good care of your health, your safety, and I really pray for the safety and success of all of you. Thank you very much. Namaskar. Dhanyawad. Yeah, namaskar. Small request namaskar. From my side. Thank you. Yeah, no sir, actually just I would like to have the presentation, means if you can share the presentation of Deshpande ji sir, so I think that would be very much helpful to us. Thank you very much for the request. Thank you. Namaskar sir, take care sir. Namaskar, bye sir. Pranam, thank you sir, thank you very much. Namaskar, pranam. Thank you sir. Thank you. Take care, bye-bye. Thank you everyone. Bye. Thank you.